हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। आपको इस थंबनेल को देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की बात करने वाला हूं। 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आचार संहिता के बाद में आना लगभग तय सा प्रतीत हो रहा है। साथियों, आज मैं इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ समग्र शिक्षा के अंदर विशेष शिक्षक की भर्ती होगी, मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको ये पेपर कटिंग दिखाई दे रहा है, 14 अप्रैल 2024 की पेपर कटिंग है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। स्पेशल स्टूडेंट के लिए प्रदेश के स्कूलों में होंगे नियमित विशेष शिक्षक की भर्ती। आपने देखा होगा जब रिक्त पदों की जानकारी हमें वायरल हो रही थी, प्राप्त हो रही थी, इसमें स्पष्ट तौर पर समग्र शिक्षा भी लिखा हुआ था। हम समग्र शिक्षा को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये समग्र शिक्षा के अंदर क्या भर्ती होगी, तो आज वही चीज़ स्पष्ट हो गया, अर्थात समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षक की भर्ती होगी। और विशेष शिक्षक कहाँ पर लिया जाता है, तो ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग होते हैं, 21 प्रकार की दिव्यांगता के अंदर वो शिक्षक जो है चयनित होते हैं, जिसको अलग से विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा जिन्होंने लिया हुआ होता है, वही जो है विशेष शिक्षक बनने की पात्रता रखता है। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक ने शिक्षा सचिव को 23,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए पत्र भेजा है। लेकिन आप जान रहे हो, सबसे पहले मैं इस न्यूज़ की बात कर लेता हूं, तो छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,849 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति व इसे वर्तमान शिक्षा भर्ती प्रक्रिया से जोड़ने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। कहने का तात्पर्य है साथियों, जो 33,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, उसी में विशेष शिक्षकों की भी भर्ती की जा सकती है। यहाँ पर इस पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, शिक्षकों के साथ ही विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मर्ज करने का भी प्रस्ताव है। अर्थात जान रहे हैं, प्रदेश में 33,000 से भी अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन आचार संहिता के कारण जो है इस पर रोक लगी हुई है। विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी इसमें मर्ज करके कराया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए DPI को भी पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो शिक्षकों की नियमित भर्ती को कार्रवाई प्रचलन में है, इस पर विशेष शिक्षकों के पदों पर भी भर्ती किया जाना है। अर्थात जो 33,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया है, वह रनिंग है, चल रही है। इसी के साथ में विशेष शिक्षकों की भी भर्ती को जोड़ा जाएगा। ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे वजह, तो साथियों आप जब देखोगे, आप यहां से पॉइंट को आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, देख पा रहे हैं, देखो यहां पर लिखा है, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शासन को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। अर्थात आप विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करें, इसके लिए आप एक शपथ दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ये जरूरी हो जाता है, जब जब छत्तीसगढ़ की एजुकेशन डिपार्टमेंट या छत्तीसगढ़ की सरकार जब जो है शपथ देगी कि हम विशेष शिक्षकों की भर्ती करेंगे, तो निसंदेह विशेष शिक्षकों की भर्ती आना 100% तय है। और ये जो विशेष शिक्षकों की भर्ती सामान्य शिक्षक, अर्थात जो 33,000 पदों पर भर्ती आएंगी, उसी के साथ जो है आपको विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी। जवाब में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 2023 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शपथ पत्र में सत्र 2024-25 के प्रारंभ में स्पेशल एजुकेटर के नियमित पदों पर भर्ती करने की बात कही गई है। अर्थात 24-25 में भर्ती करने की बात कही गई है, और दो महीने बाद में जो है 2024-25 नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। तो आप मान के चलिए, जैसे ही नया शिक्षा सत्र लगेगा, आपके लिए खुशखबरी का पिटारा भी खुलने वाला है, क्योंकि शिक्षकों की 33,000 पदों पर जो भर्ती आएंगी, उसके लिए विशेष शिक्षकों की भी भर्ती आपको जो है देखने को मिलेगी। पहली से पांचवी तक के लिए बात करें, तो जिन्होंने DED में विशेष शिक्षा लिया हुआ है, अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विशेष शिक्षा है, वो पहली से पांचवी तक के शिक्षक बन सकते हैं। जिन्होंने BED के साथ विशेष शिक्षा ग्रहण किया है, वह छठवीं से आठवीं तक के लिए बन सकता है। अगर डिप्लोमा भी किया है, तो भी वह छठवीं से आठवीं तक बन सकता है।
इसके अलावा जिन्होंने बीएड की परीक्षा जो है किया हुआ है उत्तीर्ण, विशेष शिक्षा में और पीजी की योग्यता जिनके पास है, वे 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के लिए विशेष शिक्षक बन सकता है। विशेष शिक्षकों के लिए हम यदि नियमों की बात करें तो 10 दिव्यांग बच्चों पर एक शिक्षक की उपस्थिति जरूरी होती है। नियमों के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले प्रति दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक, अर्थात प्रति 10 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक और माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में 15 बच्चों के लिए एक शिक्षकों की नियुक्ति करना अनिवार्य हो जाता है। प्रदेश की स्थिति की मैं यहाँ बात करूँ साथियों, तो आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 54,000 से भी ज़्यादा जो है दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए 6,000 विशेष शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 140 बीआरपी और 110 विशेष शिक्षक हैं। यानी जहां पर 6,000 से भी अधिक जो है विशेष शिक्षक होना चाहिए, वहां पर सिर्फ 350 ही विशेष शिक्षक प्रदेश में कार्यरत है, जबकि रायपुर में 8,500 दिव्यांग बच्चे पढ़ाई करते हैं, इनके लिए सिर्फ 5 बीआरपी और 5 विशेष शिक्षक ही कार्यरत हैं। तो अब ये कहना चाहिए, उम्मीद और बढ़ गई है कि वर्तमान में 33,000 पदों की प्रक्रिया रनिंग में है, प्रोसेस में है, और बहुत जल्द जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके तुरंत बाद आपको 33,000 पदों पर शिक्षकों की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सीजी जॉब एजुकेशन के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट हो आप तक साझा होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।